सफाई को लेकर इंद्री उपमंडल के गांव बयाना के नवयुवकों ने पंचायत घर में जमा होकर प्रदर्शन किया। मेन चौक तक मोर्चा भी निकाला गया। इस अवसर पर भारत माता की जय वा विशाल जुड़ को रिहा करने के नारे भी लगाए गए। यह कार्यक्रम समाज सेवी अंकित बयाना की अगुवाई में किया गया, जिसमें भाजपा युवा मोर्चो के जिला अध्यक्ष ललित दाबड़ा मौजूद रहे। समाज सेवी अंकित कंबोज ने बताया कि विशाल जुड़ को एक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि विशाल जुड़ की रिहाई को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय विदेश मंत्री से मुलाकात कर विशाल को जल्द ही रिहा करवाने की मांग की है। इस मौके पर मौजूद सभी युवाओं ने विशाल जुड़ को शीघ्र रिहा करवाने की अपील की है। गौरतलब है कि विशाल जुड़ ने ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों का विरोध करते हुए तिरंगा झंडा लहराया था, जिसके बाद से उसे जेल में बंद कर दिया गया था। जी नमस्कार, आज हमने अपने ग्राम बयाना में विशाल जुड़ की रिहाई के लिए कार्यक्रम किया। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमें पता चला कि उन्होंने अपने विदेश मंत्री जी से भी बात की है और उनको ताकत देने के लिए आज हमने यहाँ पर ये अपना गांव स्तर पर एक कार्यक्रम किया है, जिससे मेन बात यह है कि विशाल जुड़ को जो षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है उनको रिहा किया जाए जल्द से जल्द और उनको सुरक्षा दी जाए जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहे। तो क्या मामला हुआ था, क्यों उनको जेल? मेनली उनका वहाँ पर एक आपस का मैटर था, कुछ जो देशद्रोही ताकतें हैं वहाँ पर कार्य कर रही थी, उनका विरोध करने पर अपने भारत माता की झंडे की रक्षा करने के लिए जब वो सामने आए तो उनको एक षड्यंत्र के तहत फंसा दिया गया है वहाँ पर, जो अभी वहाँ पर जेल में बंद है। ये प्योर एक षड्यंत्र है और हमारी यही मांग है कि इसकी अच्छी जांच करा के और उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।